हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 7 की कहानी गैंग्रीन का कथा वाचन करेंगे। यह कहानी सर्वप्रथम गैंग्रीन नाम से छपी थी, लेकिन बाद में इसका शीर्षक बदलकर अज्ञे ने इसे रोज शीर्षक के रूप में छापा था। तो आइए, प्रस्तुत है यह कहानी गैंग्रीन, जिसके लेखक अज्ञे जी है। गैंग्रीन अज्ञे। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूं कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ। तो मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर की रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा ना था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, उहूं उहूं उहूं। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता
अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह एक टक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर स्मृति में मानो मर गया है। उतने छीन बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वर छात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर, वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने, उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयां। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है, पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया, तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
दो की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही तीन खड़के, एकाएक मैं चौका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, तीन बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो? हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रौब तो ना जमाओ की बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम्ही मांजती हो और कौन, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिए के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने, तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने की बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या है? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आई कैसे हो लाड़ी में? पैदल इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुल पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे, मैंने कहा। वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे, मैं ऊँगने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया, इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा, चार खड़क रहे थे
और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत व भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोछते पोछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया। एक कांटा चुभा था उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन, हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है, हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बांह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, ना काटे तो उसकी जान गवाएं। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटा चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुड़ जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था, अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले आए, अब के नीचे जाएंगे तो 4 पाइयां ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों महेश्वर, टीटी और मैं दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय ना पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है, अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे
पड़ती रही। जब दोनों ओर पड़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आता, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसमें इसे सब समाप्त कर चुकी हूं, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क ना पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या यह? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसने उसे थपकाने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की ओर भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और ना जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछा कर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, वह तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊंग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति मैं है किंतु उद्वेग मैं नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने।
महेश्वर ऊंग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशववोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुमने अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच एक कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, उसका उतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे इसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊंग रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एकाध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। आशा करती हूँ कि मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं।